वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आपको पता है कि हम रिमल से गुफ्तगु कर रहे हैं और उनके करियर के बारे में भी जान रहे हैं और अभी आगे उनके क्या प्लान्स हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो रिमल, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मूवीज तो उसके साथ ही म्यूजिक भी है। आर यू अ म्यूजिक लवर? ऑफ कोर्स, एवरी पर्सन इज अ म्यूजिक लवर। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू? आपने कब क्या क्या सुनती हैं? डिपेंड ऑन मूड। मुझे वैसे ज्यादा क्लासिक पसंद है। किसी ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग, और मैं थोड़ी सी मुंह के जिसने जो कहा वो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। व्हाट वी डू इज कि हम लोगों ने, हमारा बहुत बड़ा नाम है यहाँ रियाज रहमान सागर साहब, उनके उनको हमने हायर किया, हमने उनसे गाना लिखवाया। एम अर्श साहब बहुत बड़ा अगेन नाम म्यूजिशियन, उनसे हम लोगों ने म्यूजिक करवाया, हम लोगों ने उसकी रिहर्सल की और हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड करके पहले रॉ रिकॉर्डिंग होती है, रॉ रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सीडी में घर ले आई। मैंने कहा चलो सुनते हैं फिर इसको जो खामियां इसमें दूर करेंगे। वो सीडी में घर लाके मैंने वो तोड़ दी। क्यों इतनी बुरी लगी? वो सीडी मैंने घर लाके खुद ही तोड़ दी। मैंने तब डिसीजन ले लिया कि आई एम नॉट अ सिंगर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सीडी घर लाते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि हमने इस पे ऑटो ट्यूनर कहाँ कहाँ लगवाना। आई एम कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, बल्कि इट वॉज अ वेरी फनी थिंग। फिर हम लोगों ने उसको बैठ के डिस्कस भी किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या कर रहे थे, यू नो हम लोगों ने क्या किया। लेकिन हम लोगों ने किया जरूर और वो बड़ा, लेकिन हम लोगों ने उसको क्योंकि बड़े यही कहते हैं कि व्हेनेवर यू डू समथिंग एंड यू फेल दैट इज नॉट फेलियर बिकॉज यू वर्कड ऑन समथिंग इट डिडंट वर्क आउट। और बड़ी बात होती है ये रियलाइजेशन हो जाना कि मैं नहीं गा सकती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके एक आर्टिस्ट की अपनी कैपेसिटी होती है, आर्टिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसी तरह से मुझे लगा कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू क्विट इट, तो मैंने उसको क्विट कर दिया, दोबारा नहीं कोशिश। आपने कहा कि चलिए मॉडलिंग भी ठीक है और फिल्म भी ठीक है। सिंगिंग इज अ रियली यू नो डिफिकल्ट जॉब। मॉडलिंग का आगाज कहाँ से किया, किस ब्रांड के लिए शूट किया आपने? ब्रांड मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका अपना सलून है और उस वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे ब्यूटी शॉट्स चाहिए, मुझे तुम्हारे शूट करने अपने सलून के लिए। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स डिजाइनर, ऑटोमेटिकली फिर इतना अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स डिजाइनर्स थे, फिर उनके लिए शूट किया, जिसने मतलब जिस तरह इसी तरह से हुआ। लेकिन हाँ, फिर वही बात मैं कहूँगी कि उसमें भी मुझे सफर करना पड़ा। वो ये होता है कि आपको यू नो आपको उस लॉबी जो ऑलरेडी बैठी हुई है, एक लॉबी वो आपको जो जज करने के लिए बैठी हुई है, वो आपको पहले से स्पेसिफाई करना। मतलब पता क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में, इट्स नॉट विद ओनली द जेंडर, इट्स ओवरऑल जजमेंट जो हमारी होती है ना। मसलन एक ही बंदा, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं किसी बड़े होटल में जाता हूँ खाली सलवार कमीज पहन के चला जाऊं, चप्पल पहन के, तो मेरे लिए वो दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल, अगर मैं ही घर आके सूट पहन के चला जाऊंगा ना, तो वो दरवाजा मेरे लिए खोल देगा। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आती है ना अमल करने की बात, वही हम लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, वहीं पर हमारा वो जो अंदर की चीज होती है, जो अंदर की नफरत या जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के बहुत बातें करेंगे, जिनके हकूक होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बाहर निकलेंगे तो। और जहाँ सबसे पहले हम खुद क्या हकूक दे रहे हैं, जहाँ से वो बात शुरू होती है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वहीं पर आप लोग जीरो हो जाते हैं। वहीं पता चलता है कि नहीं, हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग अपने बातों में कुछ हैं और हम अपने किरदार में कुछ और हैं। अच्छा जी, सिल्वर स्क्रीन एंड शूट्स, दरमियान में रहेगी टीवी की स्क्रीन जी। ड्रामा कभी सोचा है या ऑफर हुआ है? बिल्कुल सोचा है और बिल्कुल करूंगी। ऑफर भी हुआ था एक ड्रामा, लेकिन बहरहाल कुछ पैसों पे बात नहीं। जब आप चार्ज करती हैं, तो इसमें ये तो नहीं कहते कि कम पैसे दे रहे हैं जी इस बात पे? बिल्कुल करते हैं। मुझे तो एक प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि आप बिल्कुल हमारे लिए फ्री काम करें, हम आपको प्रमोट करते हैं। तो बात बहुत सारे मुझे भी कहते हैं सर हम बहुत काम करते रहते हैं और भी काम आ रहा है, वो काम आएगा उसको देख लेंगे। मुझे लगता है कि देखो हर इंसान को उसकी मेहनत का हक तो मिलना चाहिए। और अगर मैं इस फील्ड को अपना रही हूँ या चूज कर रही हूँ
किसी और फील्ड के ऊपर, क्योंकि पीपल नो दैट आई एम अ डांसर, आई डू थिएटर, तो मैं थिएटर पे भी परफॉर्मेंस देती हूँ. अगर मैं उस फील्ड को छोड़ के किसी सीरियस फील्ड की तरफ आ रही हूँ और लोगों को ये बताना चाह रही हूँ अच्छा काम कर कि आप इधर भी आके कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो अगर मैं इसमें से कमाऊंगी नहीं तो फिर मैं उस चीज में से कैसे निकल के यहाँ आऊंगी, या मैं उस चीज में से यहाँ निकल के तो मुझे उसमें से उतना तो अर्न करना है ना कि मुझे लगे कि आई एम अर्निंग वेल. तो ये होता है. थैंक यू सो मच रिमल, आप बहुत से लोगों की बड़ी अच्छी मोटिवेशन है और बहुत मजा आया आपसे बात करके. वाकई में एहसास हुआ कि हमारे जो सोसाइटी में है वो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और ये बहुत खुशहाल बात है. वेरी बेस्ट ऑफ लक विद द फ्यूचर एंडेवर्स.